हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए हार्ट थ्रो फॉल इन लव विद ए बुली बॉय। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यांग और जेके की शादी हो गए हैं। त्यांग और जेके अपने कमरे में आते हैं। जेके और त्यांग की कमरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। त्यांग को देख के बहुत अच्छा लगता है। जेके ने उसकी नाम रोज़ की पत्तों से बेड पर लिखा हुआ है, जिसे देखकर त्यांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जेके को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो जेके। जेके त्यांग को बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और फिर त्यांग की बहुत ज़्यादा करीब आते हैं और उसकी फेस को पकड़ के कहते हैं, तुम्हारी ये ब्यूटीफुल फेस मुझे बहुत पसंद है। एक सेकंड के लिए भी मैं तुम्हारी फेस को देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं और उसको बोलते हैं, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। मैं तुम्हारे साथ हर एक टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ। और फिर त्यांग की आइस पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैं अपनी दुनिया को तुम्हारी इन आँखों से देखना चाहता हूँ। तुम्हारी इन आँखों में मैं अपनी पूरी दुनिया को देख सकता हूँ। और फिर उसकी नोज पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैं दुनिया की हर खुशबू को तुम्हारी नोज से महसूस करना चाहता हूँ। उसकी गाल पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैं इसी तरह से तुम्हें इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे मिस ना कर सको। और फिर त्यांग के होठों पे किस करते हैं और बोलते हैं, मैं चाहता हूँ तुम अपनी होठों से सिर्फ मुझे ही किस करो, किसी और को कभी भी किस मत करना, ठीक है। त्यांग बोलते हैं, मुझे बोलने के मौका तो दो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ टाइम स्पेंड तो करना दूर की बात, किस तो और भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे इन होठों से सिर्फ मैं तुम्हें ही किस कर सकता हूँ। जेके, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। जितना मैं तुम्हारे लिए खास हो, उतना ही उससे भी ज़्यादा तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारी ये सेक्सी बॉडी इसे मेरी चाहतों को पूरा करेगा। और फिर त्यांग भी जेके की होठों को किस करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे इन पाउट किए हुए होठ सिर्फ मुझे ही किस करने के लिए है, और तुम्हारी इन होठों से सिर्फ तुम मुझे ही तारीफ करोगे, किसी और के लिए इतनी खास और प्रीशियस वर्ड यूज़ मत करना, सिर्फ मेरे लिए ही तुम इतना अच्छे अच्छे बोलना, ठीक है। जेके बोलते हैं, मेरी जितना प्यार और जो कुछ भी है, जितने अच्छे अच्छे बात है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम हो ही इतना प्रीशियस मेरे लिए, कोई और नहीं। मैं किसी और के लिए ये सब कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, उसको पीछे से हक कर लेते हैं और बोलते हैं, जेके मैं तुम जितना प्यार तो नहीं कर पाऊँगा। जेके शौक हो जाते हैं, क्या तुम मेरे जितना प्यार नहीं कर पाओगे मुझे? तो त्यांग उसको कहते हैं, तुमसे भी ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करूँगा। जेके खुश हो जाते हैं। आप जाके जेके एक बॉक्स लेकर आते हैं। त्यांग बोलते हैं, इस बॉक्स में क्या है? जेके कहते हैं, तुम्हारे लिए एक शादी की गिफ्ट है, इसको खोलकर देखो। त्यांग ने उस बॉक्स को खोला है और देखते हैं, बचपन से लेकर बड़े होने तक जितने दिन तक जेके ने उसके साथ बात नहीं की है, और फिर जब से त्यांग के साथ लिविंग में रहना शुरू कर दिया है, उस बचपन से लेकर इस टाइम तक सारी यादों को एक डायरी पर लिखा है, और उस त्यांग की सारी पिक्चर को एक बॉक्स में वो रख दिया है। हाँ, वो बचपन से उसकी पिक्चर को नहीं देखा है, लेकिन त्यांग की पिक्चर को वो संभाल के रख दिया था। अब जाके सारी पिक्चर को वो त्यांग को दिखाते हैं कि देखो, मैंने कभी तुम्हें देखा तो नहीं गुस्सा करके, लेकिन तुम्हारी हर एक पिक्चर को मैंने बहुत प्यार से संभाल के रखा था। त्यांग देख के बोलते हैं, तुम मेरी सारे पिक्चरों को अपने पास रखे हो? जेके कहते हैं, हाँ। और फिर एक एक लेटर भी उसके लिए लिखा था, उसको भेज नहीं पाए क्योंकि त्यांग ने वहाँ से कोई चिट्ठी नहीं भेजी है। जेके तो यही जानते थे, इसलिए जेके ने उसके लिए चिट्ठी तो लिखा था लेकिन कभी त्यांग को नहीं भेजा है। उन सारी चिट्ठियों को इस बॉक्स पर रखा है। त्यांग एक एक चिट्ठियों को पढ़ते हैं और देखते हैं, जेके उसके लिए सारी प्यारी भरी वर्ड्स तो लिखे थे,
लेकिन उनमें एक गुस्से वाला सर भी था कि तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुमने मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन देखो मैं अभी तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। और फिर उस लेटर में एक सिंह वाले इमोजी आर्ट कर दिया करते हैं जेके। त्यांग इन सारी लेटर्स के पढ़ के बहुत खुश हो गए थे। त्यांग इतने सारे प्यारी भारी लेटर्स को देखकर तो जेके त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हो शादी की गिफ्ट की तरफ से? तो त्यांग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ सकता हूँ, मैं जो ले आने के बारे में सोचा था वो तुमने कर दिखाया है। तो जेके बोलते हैं, हाँ लेकिन मैं जानता हूँ तुम अगर मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आओगे ना, तब भी मैं तुमसे इतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, किसी और को मेरी जगह पे मत आने देना। त्यांग कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हो। जेके कहते हैं, वो क्या? त्यांग कहते हैं, मैं उन सारी लेटर्स को तो वापस नहीं लेकर आ पाऊँगा क्योंकि उन सारी लेटर्स को मैंने भेज दिया था लेकिन अंकल ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन हाँ, तुम्हारी वो हर एक पिक्चर मेरे पास है जो बचपन से मुझे भेजे गए थे, और ये देखो मैंने उस हर एक पिक्चर के पीछे मैंने अपनी दिल की बात लिखा है। जेके देखता है कि त्यांग ने उसके लिए कितना प्यारा प्यारा मैसेज भेज दिया करते हैं, और जितनी बार उसको कॉल किया था कि उसने मना कर दिया है बात करने से, वो भी उस पर नोट किया हुआ है। जेके देखकर इमोशनल हो जाते हैं कि त्यांग उसके लिए इतना ज़्यादा प्यारा मैसेज भेज रहा था जिसको जेके नहीं देख पाए। वो उन सारी यादों को दोबारा से जीना चाहते हैं। वो बोलते हैं, मैं कैसे उन सारी पाल को दोबारा से वापस ले आऊँगा, जितनी सारी प्यारी पाल मैंने मिस कर दिया है तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बात नहीं किया, मैं कैसे उन सारी यादों को तुम्हारे साथ दोबारा से जी पाऊँगा। त्यांग उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, जेके उन सारी पाल को तो हम वापस नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं ताकि उन सारी याद भी कम पड़ जाए। जेके खुश होकर बोलते हैं, तुमने सही कहा, जो पल बीत गए हैं उसको छोड़ के हमें इस पल को एंजॉय करना चाहिए और इस पल को बहुत ज़्यादा खास बनाना है। और फिर त्यांग के पास आते हैं, उसको किस करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हॉट वाला किस कर रहा था। इन दोनों ने लॉन्ग टाइम किस करने के बाद जेके त्यांग के कपड़ों को खोलने लगते हैं। त्यांग भी जेके के कपड़ों को खोलने के लिए मदद करते हैं। दोनों ही अब अनड्रेस थे और दोनों की बॉडी ही दिख रहे थे। जेके त्यांग को देखकर बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और तुम्हारी इस वाइट बॉडी पे सिर्फ मेरा लव बाइट ही अच्छा लगेगा, कुछ और नहीं, और कपड़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। त्यांग शैफिल करते हैं और फिर जेके के करीब जाते हैं, उसकी ऐस पे अपना हाथ फिराना शुरू करते हैं। जेके की बॉडी को बहुत ज़्यादा हॉट तरीके से वो छू रहे थे। जेके बोलते हैं, त्यांग तुम मेरे साथ रह के मेरे जैसा ही नॉटी बनते जा रहे हो। तो फिर त्यांग आप जेके की बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। वो उसकी बैक से हक कर लेते हैं, उसकी गले पे बाइट करते हैं और फिर जेके त्यांग की हैंड पकड़ के उसको सामने लेकर आते हैं और उसको बेड पर धकेल देते हैं और त्यांग के ऊपर आ जाते हैं। त्यांग की फेस से लेकर पूरी बॉडी पे किस करते रहते हैं, अपनी टांग से उसकी एब्स पे सक करते हैं जिसे त्यांग मौन करते हैं। और फिर जेके उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। सो गाइस, इन दोनों की इस रोमांस तो अब ख़त्म नहीं होने वाले हैं। ये लोग अब बहुत देर तक ये सब कुछ करने वाले थे। इन दोनों की रोमांस तो यहाँ पे जारी है, लेकिन वहाँ पे सब लोग अपने अपने घर पहुँच गए थे। आर्यन अपने घर चले गए थे और जिन के साथ फ़ोन पे बात कर रहे थे कि लेकिन मुझे आज नींद नहीं आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? जिन बोलते हैं, लेकिन क्यों नींद नहीं आ रहे हैं? आर्यन कहते हैं, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मुझे भी जेके की तरह ही कुछ करना था तुम्हारे साथ। जिन बोलते हैं, तुम बहुत बेशर्म हो, और फिर फ़ोन रख देते हैं। आर्यन बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो, और यहाँ पे हमारा जी होप
वयन को बोलते हैं, तुम्हारी मम्मी पापा से मिलने के लिए मैं कल सुबह आ जाऊंगा। वयन कहते हैं, सुबह को ही आ जाने वाले हो तुम? जेहू बोलते हैं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, जितनी जल्दी हो सके हम दोनों शादी कर लेते हैं। वयन बोलते हैं, ठीक है, मैं मम्मी पापा को बोल देता हूँ कि तुम सुबह को ब्रेकफास्ट करोगे हमारे साथ, हमारे घर पे आने वाले हो। जेहू बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों ने अपनी प्यारी भरी बातों को कंटिन्यू रखा है। यहाँ पे इयोंगी जिमिन को बोलते हैं, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुम मेरे घर क्यों नहीं आए? जिमिन बोलते हैं, नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मॉम डैड ने फ़ोन करके मुझे कहा था घर जल्दी से आने के लिए। इयोंगी कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, तुमने कहा नहीं कि आज जेकी की शादी है और त्यांग की, तो तुम लेट होने वाले हो। जिमिन कहते हैं, मेरी शादी थोड़ी है कि मुझे वहाँ पर रुकना है, मॉम डैड ने कहा, उस दिन मैं घर नहीं गया, इसलिए उन दोनों को लगता है कि मैंने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया है। तो इयोंगी कहते हैं, वो लोग नहीं जानते हैं कि तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते हो? तो जिमिन कहते हैं, नहीं, उन लोगों को ये बात पता नहीं है, शायद उन लोगों को जब पता चलेगा तो उन लोगों को बहुत बड़ी शौक लगने वाला है। तो इयोंगी कहते हैं, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके ये बात बता देना चाहिए ताकि वो लोग समझ सके तुम्हारी फीलिंग्स को। तुमने छुपाया क्यों उन लोगों से ये बात? जिमिन कहते हैं, मुझे डर लगता है कहीं उन लोगों ने गुस्सा हो गया तो। इयोंगी कहते हैं, ये बात तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, कितने दिन तक तुम इसको छुपा के रखोगे? जिमिन कहते हैं, पता नहीं कितने दिन तक छुपा के रखूँगा। इन सारी बातें कर ही रहे थे कि जिमिन के पीछे से उसकी मम्मी आके सुन लेते हैं और फिर बोलते हैं, जिमिन तुम लड़के के साथ? जिमिन कहते हैं, मॉम वो, और फिर उसकी मॉम बोलते हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तो इयोंगी बोलते हैं, जिमिन क्या हुआ? जिमिन कहते हैं, तुमसे बाद में बात करता हूँ, मम्मी ने सुन लिया है, और फिर उसकी मम्मी के पीछे जाने लगते हैं। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम त्यांग के पास आ जाते हैं, त्यांग और जेके के पास। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि टाइम टू टाइम ये दोनों बहुत बार ये सब कुछ करते हैं। आखिर में त्यांग बोलते हैं, आप कितनी देर तक करने वाले हो? जेके त्यांग को बोलते हैं, मेरा टाइगर इतनी जल्दी थक नहीं सकते हैं, आज तो हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है, आज थोड़ी रुकने वाले हैं, पूरी रात ये सब कुछ करेंगे। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या त्यांग? त्यांग शाय फील करते हैं और बोलते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर जेके कहते हैं, तो तुम मुझे रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो? त्यांग कहते हैं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें रुकने के लिए? तो जेके कहते हैं, तो ये बात है, और दोबारा से उसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद त्यांग को टर्न कर देते हैं और पीछे से उसको हक कर लेते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि हम दोनों इसी तरह से एवरी नाइट ये सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है? त्यांग कहते हैं, क्या एवरी नाइट? जेके बोलते हैं, हाँ, लेकिन तुम खुश नहीं हो क्या? त्यांग जेके को बोलते हैं, आंखें में तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी आते कहाँ से है? जेके बोलते हैं, सारी एनर्जी तुमसे ही तो आता है क्योंकि तुम इतना हॉट और हैंडसम हो, तुम्हें देख के कोई भी ये सब कुछ करना चाहेगा और मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। और यही बोल के त्यांग के साथ वो सब कुछ फिर से करने लगते हैं। और यहाँ पे जिमिन की मम्मी और डैडी जिमिन को कहते हैं, तुम आखिर में हम लोगों को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें लड़का पसंद है? हम लोग तो तुम्हारे लिए लड़की देख रहे थे शादी कराने के लिए। तुम अगर लड़के को पसंद करते हो तो तुम्हें ये पहले बोल देना चाहिए था ना जिमिन? जिमिन कहते हैं, मुझे डर लग रहा था कि आप लोग गुस्सा ना हो जाओ। तो उसकी मम्मी कहते हैं, उसकी सर पे हाथ रख के बोलते हैं, आखिर में एक दिन बताना ही तो था, तो गुस्सा भी करूँ तो क्या, इसके लिए तुम बताओगी नहीं क्या? और देखो, इतने दिन तक अपने मन में ये बात छुपा के रखा है, अगर शेयर कर देता तो अच्छी तरह से अपने लाइफ को एंजॉय कर पाते, इतनी डर डर के जीना नहीं पाते। उसकी मम्मी की बात सुन के जिमिन शॉक हो जाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। जिमिन की मॉम उसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं, इसमें हमारी गलती है क्योंकि हमने तुम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है कि तुम क्या पसंद कर रहे हो और क्या नहीं। अगर तुम पे ध्यान देता तुम्हें हमें पता चल जाता कि तुम्हें लड़की नहीं लड़का पसंद है। कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चाहे किसी को भी पसंद करो, हो तो तुम हमारी शान, तो चाहे किसी को भी प्यार करो,
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम दोनों अगर खुश रहते हो तो कोई बात नहीं, तुम जिसके साथ प्यार में हो उसको घर पे बुला लो, हम उससे मिलना चाहते हैं। जिमिन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, और फिर उसकी मामी बोलते हैं जाओ अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। जिमिन कमरे में जाने के बाद देखते हैं योंगी ने उसको बहुत सारा कॉल किया है और उसको मैसेज भी भेजा है। तो जिमिन ने उसकी मैसेज के रिप्लाई किया कि सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत होना, मामी डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं और हम दोनों की शादी करना चाहते हैं, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? योंगी कहते हैं मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जिससे शादी करना चाहूँगा वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जिमिन खुश हो जाते हैं। जिमिन और योंगी मैसेज पे इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि इन दोनों को तो पता ही नहीं कि सुबह हो गए हैं। और यहाँ पे हमारा त्यांग और जेके अपनी रोमांस को ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे। जब सुबह हो जाते हैं, बहुत देर हो गए थे, अब 10 बज गए हैं, तो जेके और त्यांग उठ जाते हैं और एक दूसरे को किस करके गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन त्यांग उठ के जाने वाले थे, जेके त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कहाँ जा रहे हो? त्यांग कहते हैं क्यों, फ्रेश होने के लिए? मैं पहले फ्रेश होकर आ जाता हूँ, उसके बाद तुम चले जाना। जेके बोलते नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। त्यांग कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें जाके फ्रेश हो जाना चाहिए। जेके बोलते नहीं, हमें दोबारा से वो सब कुछ करना है। दोबारा से वो सब कुछ करना शुरू करते हैं, त्यांग भी उसको नहीं रोकते हैं। लेकिन जेके एक बार ऐसा कुछ करने के बाद दोबारा से फिर से वो सब कुछ करने की ज़िद करते हैं। त्यांग कहते हैं तुम आखिर में इतना एनर्जी कहाँ से लेकर आते हो? जेके बहुत हो गए हैं, अब हमें जाके फ्रेश हो जाना चाहिए क्योंकि सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जेके बोलते हैं और एक बार। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, वो उठ के वॉशरूम जाने वाले हैं। तो जेके उसको गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हें फ्रेश कर देता हूँ। त्यांग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं। जब जेके उसको टच करते हैं उसको फ्रेश करने के लिए, तो त्यांग को हॉट फील हो रहा था। तो जेके बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतना हॉट फेस रिएक्शन क्यों दे रहे हो? त्यांग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन जेके उसको और भी ज़्यादा हॉट तरीके से छूते हैं, जिसे त्यांग मौन करते हैं। और उसको देखकर जेके बोलते हैं देखा तुम हॉट फील कर रहे हो, और यहीं पे भी वो दोनों शुरू हो जाते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।